हनीप्रीत की पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया। विश्वास के मुताबिक उनके कमरे में खुद उसने अपनी आंखों से हनीप्रीत और राम रहीम को एक साथ देखा था। बाबा की गोद में रहता तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्रोस्टी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाज़ा, पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। पालगढ़ में राम रहीम की गंदी बात की पोल विश्वास गुप्ता ने खोली। आइए आपको बताते हैं क्या कहा विश्वास ने। 25 जनवरी का भंडारा होता है बड़े गुरु जी का, तो ये हर स्टेट में बनाते हैं। तो फर्स्ट वीक का यूपी में भंडारा था, तो एक दो दिन, एक दिन का ही गैप था शायद, तो बाबा वहाँ चला गया यूपी, तो हम भी बाबा के साथ थे। वो लड़की दमाद के, तो रास्ते में इनका भालगढ़ में एक आश्रम आता है, वो लड़की अभी मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही है, मेरी पर्सनल गाड़ी जो पहले हुआ करती थी। ठीक है कि वो बाबा की गाड़ियों में बीच में एडजस्ट होगी काफिले में, सिक्योरिटी में, वो अलग बात है। जब भालगढ़ रुके, बाबा ने लंच वगैरह जो लेना था लिया, हमने भी लिया, तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का, वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे, वो जबकि कैबिन बंद होता है बाबा की गाड़ी में। मैं कोई हाँ पार्टीशन होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पार्टीशन होता है। तो टेंट डला, वो हम बैठ गए, मैं गाड़ी चलाई, वहाँ से शायद 50 किलोमीटर ही है उनका आश्रम, 50 या 60 बालगढ़ के पास यूपी में। वहाँ जाकर उसने बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई आपने, ये है वो है। चलो कोई बात नहीं, जो बाबा की गुफा है उसके साथ ही शाही परिवार के जो रूम्स होते हैं बाबा की फैमिली के, और मैं, मेरे जो पहले भी रूम हुआ करता था वो पहले वहाँ शाही परिवार के साथ ही हुआ करता था। अब तो लड़की बना दी, मुझे वो रूम दे दिया गया, फिर वही प्रॉब्लम। रात के 9 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं लड़की का आना है नहीं आना। मेरे मदर फादर भी साथ थे, वो अपने अलग रूम में सो रहे थे। मैं बेचैन की भी क्या हुआ, अब भी नहीं आई। अब तो मैं डेरे में हूँ, अब मैं अपने घर में तो नहीं हूँ, अब तो आना चाहिए। उसका सामान भी सारा मेरे कमरे में पड़ा है, कपड़ा लत्ता सब कुछ जी। वो सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहाँ भी नहीं आई। और मैं वहाँ पे एक साध्वी आश्रम होता है बाबा के साथ, और हमारे कमरे थे बीच में एक पार्क था, मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा बेचैन रहा। और वो चार दीवारी से कवर था, बाहर कोई देख नहीं सकता कौन है अंदर क्या हो रहा है। तो जब बाबा का सेवादार सुबह 5 बजे उसने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर था ही, तो मैंने, उसका नाम धर्म सिंह था जो बाबा का खास सेवादार था उस टाइम, मैं कहा धर्मा भाई हनीप्रीत कहाँ है। तो जो साध्वियाँ थी वो 5 बज चुके थे, 5-7 साध्वियाँ भी बाहर आ गई, उन्होंने भी ये मेरी वर्डिंग सुन ली कि भी सो काल जीजा जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी हनीप्रीत कहाँ है, क्योंकि मैं जवाई तो था नहीं, मैं तो किराए का टट्टू था वहाँ एक तरह से। तो वो भी भुचक्का रह गया बंदा कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से, तो वो चुप रह गया, उसने दरवाज़ा बंद करा, वो अंदर चला गया। विद इन 10 मिनट्स वो बंदा फिर बाहर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो भाई बुला रहे हैं। तो बाबा अपनी गुफा में ना के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था, मैं एग्जैक्ट पोजीशन, सर्दियों के दिन थे, शाल ले रखी थी, और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे में सर, और वो रो रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों रो रही थी, रहा तेरा भी मन विचलित कर गया बेटा, हमें तो सारी रात से बुखार है, और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहाँ रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में, और तेरा मन खराब कर गया। और बाबा लिटरली रोने लगा, बाबा भी रोने लगा लड़की के साथ, उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि मेरा भी रोना निकल गया कि भाई तू गलत है, ये सही कह रहे हैं भाई, बुखार है भाई, पिताजी को बुखार है, अभी तो स्टार्टिंग हुई थी, कोई बात नहीं। मैं कहा चलो जी, माफी मांग ली मैं, गलतियां गलत कर। कैसे खोली विश्वास से राम रहीम और हनीप्रीत की पोल दिखा रहे हैं आज आपको। राम रहीम ने हनीप्रीत को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद नहीं लिया था, इस पर भी विश्वास गुप्ता ने कई राज खोले।
पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जब बोध का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद लिए बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है, 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई, कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भी मैं इसको लड़की बनाना चाहता हूँ, फैमिली से पूछा, तो कहते कोई बात नहीं बनाओ जी, मेरे से पूछा मैं, कोई नहीं बना लो जी, तो कहते ठीक है फाइनल है, इसको लड़की बना लेते हैं, और आप लोग सब घर जाइए, और शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी डेरे की गुफा के अंदर, ओपनली नहीं, जो मोजिस बंदे थे, जो खास बंदे थे, 200-300 बंदे, वो सारे इकट्ठे कर लिए गए, मेरी फैमिली सबको बुला लिया गया वहाँ से। तो शाम को पार्टी करी, तो वहाँ का डेरे के प्रबंधक या जो भी था उस टाइम, उसने अनाउंस करा कि भाई ये आज से ये गुरुजी ने गोद ले ली है लड़की, और ये बाबा जी की मंझली बेटी है, बड़ी बेटी से सेकंड बेटी है, क्योंकि एज का डिफरेंस था, और ये बाबा जी का दामाद है, और आज से जो शाही परिवार इस परिवार की इज्जत संगत में है, वो सारी इज्जत इनको दी जाएगी और आपको देनी है, और जो सिस्टम परिवार का है ये हमारा परिवार है, ये अनाउंस कर दिया। तो सिर्फ यही खुलासे नहीं किए, विश्वास ने यह भी बताया कि फिल्मों के साथ साथ बिग बॉस का भी काफी शौक था बाबा राम रहीम को। राम रहीम बिग बॉस का सेट अपने ही डेरे में बनाकर वहां कंटेस्टेंट बुलाकर बकायदा बिग बॉस बनता था। क्या होते थे बिग बॉस के नियम और कैसे दी जाती थी सजा, विनर को क्या दिया जाता था इनाम, आइए बताते हैं आपको। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूँ, सबसे छुपा के गेम हुआ। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, फिनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज़ भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी, उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का, उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10-20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था, क्योंकि हमने भी एक दो गलती करी, एक वादी, और हम भी अंदर गए, बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि जो हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है, वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से, तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही है। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। इधर 1999 के बाद राम रहीम ने अपनी सोच बदल ली थी, क्यों बदली ये सोच, इसके बारे में भी विश्वास ने कई खुलासे किए। 1999 से पहले सीबीआई के केसेस सारे खुल चुके थे, चार्जशीट भी मेरे ख्याल से हो चुकी थी, बहुत बदनामी भी हो चुकी थी साधवियों के इसमें। तो उसको ये चाहता था कि भी एक पक्का बंदा रख लिया जाए, भी ज्यादा मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, एक पक्का अड्डा एक मेरी बीबी के रूप में लड़की रहे, मैं उससे ही गुजारा कर लूँ, भाई बहुत बदनामी होगी, उम्र भी हो चुकी है। तो उसने ये पक्का इरादा किया। और ये इधर होटल के कमरे की आड़ में भी गलत काम होते थे, क्या होता था यहाँ ये भी बताया विश्वास ने। जब 2009 में हनीप्रीत को लड़की बनाया गया, ये सारा वाक्य उससे पहले का होता था, यही उसका सिस्टम था, साथ में बुलाता था, उस टाइम कोई मेन मुखिया कोई और था ना, उस लड़की का नाम नहीं लेता हनीप्रीत से पहले,
आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि हनी पिन लड़कियां लाती थी बाबे के लिए, ये करती है वो करती है चूज करती है, मैं इसको थोड़ा काटना चाहूँगा, मेरा अपना पर्सनल है। जब उस आदमी, जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की, 23.5 घंटे उसके साथ रहती है, जो मजलिस या सत्संग चलता था बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है, और वो इतनी खुंदकी लड़की थी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई साध्वी या कोई लड़की उसके कमरे में बेडरूम में आ जाए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि 2009 के बाद सिर्फ हनीप्रीत के साथ ही रिश्ता था, जो आज साध्वियों को या लड़कियों को, वो भी परिवार वाले हैं उनको, मैं सबको लड़कियों को जानता हूँ, उनकी फैमिलीज को जानता हूँ, उनके माँ बाप पे कितना बड़ा धक्का चल रहा है, जो चैनल्स चला रहे हैं या किसी के माध्यम से जो भी चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 2009 के बाद इसका किसी साध्वी से रिश्ता रहा होगा, ये पहले 100% रहा, क्योंकि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, ये बचपन से ही ऐसा रहा। विश्वास जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हनीप्रीत इसी के उनके साथ थी कि लड़कियां चाहिए थी बाबे को, ये नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, एक पावर का नशा इतना होता है, आप तो सब मीडिया है पर्सन से, आपको सब कुछ पता है। आज अगर एक चीफ मिनिस्टर है कोई भी अगर बना दिया जाए, उसमें नशा, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है, और जब कुर्सी से उतरता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। जब हनीप्रीत को अपनी वाइफ बनाई और लड़की बनाई, तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंडर आ गया। एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, जो आज डेरे की मैनेजमेंट है विपसना चावला, चेयरपर्सन है, लड़की है चेयरपर्सन, उसको सारे अधिकार हैं बाबा के। 2009 से पहले अगर आप डेरे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, वहां पे सारा जेंट्स मैनेजमेंट थी, कोई लड़की मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। जब ये लड़की बनी गई, क्योंकि ऑर्डर इसके चलने थे, तो डेरे की सारी मैनेजमेंट लड़कियों के हाथ में दे दी गई। ये 2009 के बाद चेंज हुआ, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। इधर राम रहीम की गाड़ी में हथियार भी हमेशा रहते थे, जहां जाते वक्त हथियार ले जाया करते थे, आखिर क्यों जरूरत पड़ती थी एक संत को हथियारों की, ये भी बताया विश्वास ने। मुझे और हथियार का तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म हूं मैं 100% कि बाबा हर टाइम अपनी गाड़ी में कहीं भी मूव करता था तो एक पेटी में एक हथियार हुआ करता था, और जिस भी गाड़ी में बैठता था उसका सेवादार वो पेटी उसकी गाड़ी में रखता था। ये मैं तो विश्वास ने ऐसे कई खुलासे किए जहां हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों पर सवाल साफ तौर पर खड़ा हो गया। क्या वाकई ये रिश्ता बाप बेटी का था? क्या मीडिया में चल रही खबरों में सच्चाई है? इसका पुख्ता तौर पर खुलासा किया विश्वास ने। नो, तो 1999 से जब इसने सत्संग स्टार्ट कर दिए, और वो उसने कहा कि बेटा आपकी फैमिली को हम अपना परिवार मानते हैं, तेरे को लड़का मानते हैं, तो ये लड़की आई है तो आज से ये हम इसको बेटी ही मानते हैं। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ कि इसको हम लड़की ही मानते हैं, ये हमारी लड़की जैसी, हम इसको प्यार देंगे, सब कुछ देंगे जैसे तेरे को देते हैं। तो क्या होता था, तो हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था, कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जो उसके भगत होते थे वो मेरे से बातें मारते थे। उसके पीछे कहानी ये थी कि भी ये बेटा हमारा साथ सुख दुख कर जाती है, ये लड़की ये सुख दुख कर जाती है हमारे साथ, और कोई बात नहीं। तो आधा घंटा कहीं हमारे घंटा भी हो जाता था, उसके बाद मुझे अंदर बुला लिया जाता था, तो आधा पौना घंटा वो हमारे से बातें करता था, बिजनेस की बातें करता था मेरे से, सबसे सारा कुछ करता था। तो ये प्रोसीजर 1999 शादी के फर्स्ट डे से लेकर 2009 तक एज इट इज चला। उसके बाद क्या हुआ, जैसे टूरों पे जाते थे होटल्स में रूम लिया जाता था, वो रूम वो लिया जाता था कि जिसमें बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए बीच में दरवाजा होता है, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाजा है। तो बाहर से बाबा घुस जाता था, इधर से मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े हैं लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए, ये अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? मैंने करा ऑब्जेक्ट, वो कहते नहीं तो मैं तो सेवा करती हूँ, मेरा गुरु है, मैं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, आपने जो करना है कर लो मेरा। पर बाबा चाहता था कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तुझे बकरा बन के यहाँ रहना पड़ेगा, दुनिया के सामने तेरा यूज होएगा और नाम तेरा काम मेरा, फैक्ट ही था ये।
डे भी यही प्रोसीजर चला, वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है, वो नेक्स्ट डे भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।